हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग जानेंगे हिंद महासागर क्षेत्र के बारे में। बात करेंगे सांझा सामरिक विजन की। तो हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि आखिर अभी हिंद महासागर क्षेत्र आपको चर्चा में क्यों है, हिंद महासागर की भौगोलिक स्थिति क्या है उसे भी हम लोग देख लेंगे, हिंद महासागरीय क्षेत्र एक उभरती हुई शक्ति कैसे है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की क्या भूमिका है उसे भी देख लेंगे, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की क्या स्थिति है उसको भी हम लोग देखेंगे, इसका उद्देश्य क्या है इसे भी देखेंगे, हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक बढ़ते हुए बढ़त हेतु सुझाव क्या हो सकते हैं उसे भी देखेंगे, और हम लोग जानेंगे एक सागर पहले आपकी वो आखिर क्या है उसे भी देख लेंगे। ठीक है, लगभग लगभग जो भी इससे संबंधित क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी के आंसर देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले एक बार मैप में हम लोग हिंद महासागर को देख लेते हैं कि आखिर हमारा हिंद महासागर मैप में है कहाँ। ये है हमारा प्यारा पृथ्वी, दिख रहा होगा आपको। इसमें एशिया हमारा है, ये आपका यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया, और ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, ये आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये आपका प्रशांत महासागर है, ये आपका दक्षिणी अंध महासागर है, ये उत्तर अटलांटिक महासागर है, यहाँ आपका आर्कटिक महासागर है। ठीक है, इसके बाद ये आता है आपका हिंद महासागर। देखिए जो हिंद महासागर है आपका भारतीय उपमहाद्वीप से लगा हुआ है, फिर उसके बाद पश्चिम में आपका पश्चिम पूर्व में अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है, और पूर्व में आपका यहाँ चीन, कहाँ है चीन तक है, और सुंडा द्वीप समूह में, और इस तरफ आपका ऑस्ट्रेलिया, नीचे आपका अंटार्कटिका तक फैला हुआ है दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, तो इसी क्षेत्र के बारे में मैं बात करनी है, या आपका अरब सागर हो गया, लक्षद्वीप सागर, बंगाल की खाड़ी, इसी क्षेत्र के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जिसका हिंद महासागर पर नियंत्रण है उसी का एशिया पर प्रभुत्व है, जिसका हिंद महासागर पर कब्जा है उसी का एशिया में प्रभुत्व यानी कि शक्तिशाली है। 20वीं सदी में यह महासागर सात समुद्रों का आधार है, विश्व की भव्यता का निर्णय इसके जल तल पर होगा। अल्फ्रेड थेयर महान के शब्दों में हिंद महासागर के क्षेत्र के महत्व को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। थेयर के इस कथन ने न केवल हिंद महासागर के ऐतिहासिक महत्व का पता चलता है बल्कि उसके भू राजनीतिक महत्व का भी पता चलता है। शायद इसी कारण से आज हिंद महासागर में अंतर्राष्ट्रीय महाशक्तियों के बीच नौसैन्य अड्डा बनाने की होड़ लगी हुई है। वर्ष 2008 में हुई मुंबई आतंकवादी हमलों ने भारत की छवि को काफी धक्का पहुंचाया था। इस हमले के बाद भारत की तटीय सुरक्षा व्यवस्था और महासागरीय क्षेत्र की बेहद सीमित जानकारी की चिंताजनक स्थिति हमारे सामने आई। इस आतंकवादी हमले ने भारत को अपनी समुद्री रणनीति को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए विवश किया, जिसकी वजह से समुद्र में होने वाली घटनाओं के जमीनी स्तर पर व्यापक प्रभाव की अहमियत समझने में आसानी हुई। इसी के मद्देनजर वर्ष 2008 से ही भारत सरकार लगातार समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से हिंद महासागरीय क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रही है। हिंद महासागर क्षेत्र में विशेष रणनीतिक बढ़त को हासिल करने के लिए भारत ने वर्ष 2015 में एक रणनीतिक विजन सागर प्रस्तुत किया, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। वर्तमान में सरकार इसी रणनीतिक विजन पर कार्य कर रही है। हिंद महासागर की भौगोलिक स्थिति की बात करें हम लोग, तो हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जल निकाय है और पृथ्वी की सतह पर उपस्थित जल का लगभग 20% भाग इसमें समाहित
समाहित है। हिंद महासागर उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप से, पश्चिम में पूर्व अफ्रीका, और पूर्व में आपका चीन, सुंडा द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया, तथा दक्षिण में आपका दक्षिणी ध्रुवीय महासागर से घिरा हुआ है। हिंद महासागर भारत को दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, ओशिनिया तक पहुंच प्रदान करता है हिंद महासागर की सहायता से। हिंद महासागर मछली पकड़ने और खनिज संसाधनों के लिए एक मूल्यवान स्रोत भी है। बात करते हैं हिंद महासागरीय क्षेत्र एक उभरती हुई शक्ति कैसे है। जनसांख्यिकी की दृष्टि से हिंद महासागर क्षेत्र में लगभग 2.5 बिलियन लोग निवास करते हैं, जो दुनिया की आबादी का एक तिहाई है। कितना हिंद महासागर क्षेत्र में कितनी आबादी है? 2.5 बिलियन लोग, जो दुनिया की आबादी का एक तिहाई है। आर्थिक दृष्टि से बात करें तो विश्व के कच्चे तेल के व्यापार का लगभग 90% परिवहन हिंद महासागर के चौक पॉइंट के रूप में जाने जाने वाले जल के तीन सक्रिय मार्गों से होकर जाता है। इसमें फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, कीव बीच स्थित हॉर्मुज का जल डमरू शामिल है, जो फारस की खाड़ी से हिंद महासागर तक एकमात्र समुद्री मार्ग प्रदान करता है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है। यह आने वाले दशकों में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और सबसे अधिक क्षमता वाला देश भी होगा। राजनीतिक दृष्टि से बात करें हम लोग तो हिंद महासागर सामरिक प्रतिस्पर्धा का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनता जा रहा है। चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में पूरे क्षेत्र में बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। इस निवेश के माध्यम से चीन हिंद महासागर के सीमावर्ती देशों में अपनी सामरिक पकड़ को बनाना चाहता है। अब हम लोग बात करें हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की क्या भूमिका है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन लगातार इस क्षेत्र में अपनी नौसैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है। चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका की भांति जिबूती में भी एक नौसैन्य चौकी स्थापित कर रहा है, जो बीजिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी गैर शांति अभियानों के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में स्थापित अपने सैन्य नौसैन्य बेस में रसद आपूर्ति के विस्तार की योजना बना रही है, जिससे भारतीय नौसेना के हितों के साथ टकराव होने की संभावना है। जिबूती में स्थापित नौसैन्य बेस के माध्यम से चीन हिंद महासागर में स्थित परिवहन मार्गों को नियंत्रित कर सकता है, जिससे भारत की कच्चे तेल और ऊर्जा संबंधी सप्लाई लाइन को काटा जा सकता है। चीन अपने स्ट्रेंथ ऑफ पर्ल नीति के अनुसार भारत को घेरते हुए हिंद महासागर में स्थित देशों में अपने नौसैन्य अड्डे स्थापित कर भारत पर सामरिक बढ़त हासिल करना चाहता है। बात करें हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति क्या है, उसे भी देख लेते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत की नीति में इस क्षेत्र के संबंध में बदलाव आया है। पहले भारत की नीति में इस क्षेत्र के लिए अलगाव की स्थिति थी, लेकिन अब हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भारत की नीति भारतीय समुद्रिक हितों से परिचालित हो रही है। सागर पहल, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर द्वारा भारत इस क्षेत्र में स्थिरता सुरक्षा पर जोर दे रहा है। साथ ही रणनीति को मूर्त रूप देने के लिए सागरमाला परियोजना पर कार्य भी कर रहा है, ताकि भारत अपनी तटीय अवसंरचना को सुदृढ़ करके अपनी क्षमता में वृद्धि कर सके। इस तरह भारत न सिर्फ हिंद महासागर क्षेत्र में अपने हितों को साध करेगा, बल्कि ब्लू इकोनॉमी के लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकेगा। ब्लू इकोनॉमी पर बल देने तथा हिंद महासागर क्षेत्र की महत्व को देखते हुए
नई सरकार ने अपने शपथ ग्रहण में बिम्स्टेक देशों को आमंत्रित किया। इतना ही नहीं, भारतीय प्रधानमंत्री ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए मालदीव और श्रीलंका चुना। कुछ वर्षों में भारत द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र को लेकर किए गए प्रयास इस क्षेत्र के संबंध में भारत की बदलती नीति को प्रदर्शित करते हैं तथा इस क्षेत्र के महत्व को भी इंगित करते हैं। अब बात करते हैं ये सागर पहल क्या है। सागर पहल वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की मॉरीशस यात्रा के दौरान नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने के लिए गढ़ा गया एक सिद्धांत है। यह एक समुद्री पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र को प्राथमिकता देती है। यह विश्व के सभी देशों की नौसेनाओं और समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहयोग को तेजी तेज करने के लिए सहयोग प्राप्त करने का एक मंच भी है। भारत के संपूर्ण क्षेत्र के लिए सुरक्षा प्रदाता की भूमिका निभाते हुए सागर पहल हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह पहल हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग संघ के सिद्धांत के अनुरूप है। अब बात करते हैं हिंद महासागरीय क्षेत्र क्षेत्रीय सहयोग संघ। वर्ष 1997 में हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना की गई। हिंद महासागर के सीमावर्ती 22 देश इस संघ के सदस्य हैं। जो हिंद महासागरीय क्षेत्रीय संघ सहयोग संघ है इसमें कितने सदस्य हैं? 22। इसकी स्थापना अभी सन 1997 में की गई थी। इसका सचिवालय आपका मॉरीशस के एवेन शहर में स्थापित किया गया। इसके सदस्य देशों की आबादी लगभग 2.7 बिलियन है, यानी कि 2.7 बिलियन। इसके उद्देश्यों की बात करें हम तो इस क्षेत्र के सदस्य देशों के स्थायी विकास, संतुलित प्रगति को बढ़ावा देना तथा क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के लिए सांझी जमीन सृजित करना, आर्थिक सहयोग के ऐसे क्षेत्रों पर बल देना जो सांझे हितों के विकास के लिए तथा परस्पर लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकतम अवसर प्रदान करते हैं, व्यापार के उदारीकरण के लिए सभी संभावनाओं एवं अवसरों को पता लगाना, क्षेत्र के अंदर माल, सेवाओं, निवेश, प्रौद्योगिकी के मुक्त एवं अधिक प्रभाव की दिशा में आने वाली अड़चनों को दूर करना और बाधाओं को कम करना, सदस्य देशों के बीच किसी भेदभाव के बिना अन्य क्षेत्रीय आर्थिक एवं व्यापार सहयोग व्यवस्थाओं के अंतर्गत बाधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना सदस्य देशों के व्यापार एवं उद्योग, शैक्षिक संस्थानों, विद्वानों एवं लोगों के बीच घनिष्ठ अंतःक्रिया को प्रोत्साहन करना। बात करें हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त हेतु सुझाव हैं। इस क्षेत्र में भारत को और अधिक सक्रिय रूप से समुद्री हितों को लेकर नीति को गति देने की आवश्यकता है, जिससे इस क्षेत्र में विकसित हो रही परिस्थितियों में वह प्रमुख भूमिका निभा सके। अतः भारत को सागर पहल पर बल देना होगा और इसके लिए एक ऐसे ढांचे का निर्माण करना होगा जिसे उचित रूप से क्रियान्वित किया जा सके। भारतीय द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय और बहुपक्षीय साझेदारियों के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है। इसके लिए भारत को सागरमाला परियोजना पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यह परियोजना अवसंरचना को तटीय भागों में सुदृढ़ करेगी, जिससे विनिर्माण, व्यापार तथा पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। विश्व के लगभग सभी देश समुद्र में स्वतंत्र नौ परिवहन को लेकर एकमत है, लेकिन विभिन्न देशों में नौ परिवहन की स्वतंत्रता की परिभाषा को लेकर गहरे मतभेद बने हुए हैं। इसका कारण कई देशों के कानूनों का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून से भिन्न होना है। इस व्यवसाय पर भारत अन्य देशों के मतभेदों को समाप्त करने और एक निश्चित परिभाषा पर सहमत होने के लिए नेतृत्व की भूमिका निभा सकता है। भारत को चाहिए कि वह हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी पहुंच में वृद्धि करे। परिचालन द्वारा भारत अपनी उपस्थिति को इस क्षेत्र में मजबूती से दर्ज करा सकता है। यह इस क्षेत्र
में भारत की दीर्घकालिक हितों की पूर्ति करेगा, साथ ही इस क्षेत्र की स्थिरता का को भी मजबूती प्रदान करेगा। इस क्षेत्र में भारत के जापान जैसे सहयोगी पहले से ही मौजूद हैं, जो भारत को आवश्यकता के समय लॉजिस्टिक सपोर्ट उपलब्ध करा सकते हैं। सागरमाला परियोजना जैसी अन्य परियोजनाओं को भी आरंभ किया जा सकता है। इन परियोजनाओं के माध्यम से बंदरगाहों के विकास, बेहतर कनेक्टिविटी, बंदरगाह आधारित उद्योगीकरण, तटों के करीब रहने वाले लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास, निवेश तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नई नौकरियों के सृजन पर ध्यान दिया जा सकता है। हिंद महासागर क्षेत्र को समर्पित एक अध्ययन केंद्र के निर्माण की संभावना पर भी विचार करना चाहिए। यदि संभव हो तो ऐसे केंद्र की स्थापना अंडमान निकोबार द्वीप में हो सकती है, जिसमें इस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाना चाहिए। तो ये था आपका हिंद महासागर क्षेत्र।